नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट, और आप देख सकते हो इन पतली पतली बारीक बारीक कतरन से। और ये कतरन आप साड़ी के तैयार कर सकते हो, जो आपकी चुन्नी हो वेस्टेज हो उनके आप तैयार कर सकते हो। चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके लिए मैंने कूलर स्टैंड का यूज़ किया है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कूलर स्टैंड, और कूलर स्टैंड पे मैंने डेढ़ डेढ़ इंच की स्पेस से चारों तरफ में पॉइंट लगा लिया है। तो आप देख सकते हो स्टैंड पे पहले जो कार्टून वाली चक्री होती है, टेप होती है, वो लगा दी है। कार्टून वाली टेप लगाने के बाद में इस पे डेढ़ डेढ़ इंच की दूरी से पॉइंट लगा दिए हैं। अब आपको इसको इस तरह से जो है एक कतरन का एक कलर लेना है, और इस तरह से इसको देखिए लपेटना है। पॉइंट को जिसने पॉइंट लगाया ना, जैसे डेढ़ डेढ़ इंच की दूरी पे, उस तरह से पॉइंट लगा कर उसको लपेट करके यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे चार बार लगभग सभी को लपेट लपेट करके और लॉक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सेम यही प्रोसेस हम पूरे राउंड में करेंगे। आप जितने कलर हो आपके पास में सभी यूज कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, सिंगल कलर की बना सकते हो, डबल कलर की बना सकते हो। तो जो भी आपको अच्छी लगे वैसे आप बनाएं। तो इस तरह से हम इसको पहले स्टार्ट करेंगे, बांधेंगे, लॉक करेंगे, और उसके बाद इसके इसे चार बार लपेटेंगे इसके ऊपर जितने पॉइंट लगाए हुए हैं उस पर, और फिर इसको हम लॉक कर देंगे, और इसी तरह से पॉइंट बाई पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट के अंदर इसको हम अपोजिट साइड में इसी तरह से इसकी लपेटा लगाएंगे। तो यहाँ पे आप कूलर स्टैंड से बहुत ही खूबसूरत सा और जो डोरमेट है वो बना सकते हो। और ये जो कतरन है साड़ी की आप बना सकते हो घर पे पतली पतली लेयर तैयार करके। और ये फिर रेडीमेड भी बहुत सारी मिलती है, 30 रुपए किलो मिलती है लगभग, तो उससे भी आप इसे बना सकते हो। तो आप देख सकते हो वन साइड कंप्लीट हो गई है। तो अब हम सेकेंड साइड स्टार्ट करेंगे। एक बार में मैंने इसको 3 से 4 राउंड तक लपेट दिया था। तो इस तरह से हमें लपेटना होता है। 18 लेयर हो गई है, ये टोटल है 18 लेयर। और इसी तरह से 18 लेयर हमें इस साइड से भी करनी है, और एक लेयर को आपको 4 बार फोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए एक कलर को आपको एक बार में दिखा देती हूँ आपको। और इसी तरह से जो 18 पॉइंट इंची टेप के हमने लगाए हुए हैं डेढ़ इंच की स्पेस से, तो उसको आपको इस तरह से 4-4 बार लपेट करके और फिर 18 बार इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे इसको पक्का कर दिया है गांठ लगा करके, फिर दूसरी लेयर कर लगाते हैं, फिर तीसरी, फिर इस तरह से पूरी लेयर लगा देंगे। तो लगा दिए, पूरी लेयर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम एक पट्टी लेंगे, और सबसे पहले इसकी जो कॉर्नर्स की लेयर है उनको हम लॉक कर देते हैं। तो कॉर्नर्स लॉक करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट घर होता है वहाँ पे आप इसको नीचे और ऊपर दोनों लेयर को लेकर के और यहाँ पे गांठ लगा दें। इसके बाद आपको सीधे सीधे कॉर्नर्स की दोनों लेयर को, दोनों कलर के जो है पिंक कलर और फिरोजी कलर, दोनों को आपस में लॉक कर देना है। नीचे वाली लेयर को और ऊपर वाली लेयर को दोनों को एक साथ करके और ऊपर गांठ लगा देनी है। और इस तरह से आपको कॉर्नर साइड पे चारों तरफ में इसको लॉक कर देना है। तो आप देख सकते हो एक ग्रीन, एक फिरोजी, एक ग्रीन, एक फिरोजी है, उसी तरह से आपको सबको लॉक कर देना है। कलर आप इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने फिरोजी और जो पिंक कलर है उसका यूज किया है। टोटल यहाँ पर पूरी इसको लाइन को कम्प्लीट करते हुए और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक सारी साइड्स को लॉक कर दिया है, कॉर्नर की साइड को लॉक कर दिया है। तो आप देख सकते हो कॉर्नर्स की सारी साइड को हमने लॉक कर दिया है। तो अब हम इसकी जो बीच वाली है उसको हम ट्रायंगुलर शेप में स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले उसी कॉर्नर साइड से हम स्टार्ट करेंगे, और अब हम लेंगे ट्रायंगुलर शेप में, यानी देख सकते हो आप तिरछा नीचे से इसको लेंगे, पिंक कलर वाली ले लिए नीचे ऊपर, फिरोजी कलर वाली नीचे ऊपर का दोनों पार्ट्स लेकर के यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। फिर इसी तरह से इसको सीध में बिल्कुल ट्रेंगुलर शेप में चलते हुए ऐसे तिरछे चलेंगे,
सबसे पहले एक बीच का जो स्टेप्स है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में दोनों साइड में हम इसको इसी तरह से लुक करते जाएंगे। तो देखा ना दोस्तों कितना इजी है अधूरमेट बनाना, और वो भी कूलर स्टैंड से। और अब हम इसको ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से फर्स्ट लाइन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इस तरह से दूसरी लाइन पे चलेंगे और ये जो डिज़ाइन है वो प्रिपेयर होती जाएगी और डोरमेट भी आपका बहुत ही खूबसूरत बनेगा और इतना टाइट और एकदम से बहुत ही बढ़िया दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा जो डोरमेट है वो तैयार हो जाता है। तो इसको आप मैंने तिरछा जो है आप देख सकते हो किस तरह से खूबसूरत बन करके रेडी हो रहा है, बहुत ही अच्छा। और टाइम तो थोड़ा लगता है क्योंकि पहले इस तरफ दाएं साइड के ताने और जो तानने होते हैं, उसके बाद में बाईं साइड के अंदर उसके जो जो लेयर है वो लगानी होती है, उसके बाद में इसको इस तरह से लॉक करना होता है, उसके बाद इसकी साइड को कट कर ले। आपका डोरमेट बन करके रेडी है और इसको मैंने ब्लेड से कट कर लिया है और सारी साइड्स को ओपन करके आप देख सकते हो दोनों कलर का कितना खूबसूरत डोरमेट बन करके रेडी हुआ है।